हाय, बहुत सारी महिलाएं हमसे बात करती हैं कि मैडम आप लो एमएच के बारे में बताते हैं कि उसमें प्रेगनेंसी आना मुश्किल होता है, तो हमारी रिपोर्ट में हमारा एएमएच हाई आया है, तो क्या हमें भी प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है? क्या यही कारण तो नहीं है कि हम अपने आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे? और क्या वो इलाज है जिससे हम एएमएच को कम कर सकते हैं और जल्दी से प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं? तो आज हम इस वीडियो में एएमएच क्या होता है, हाई एएमएच के क्या लक्षण होते हैं, कैसे इलाज होता है और प्रेगनेंसी लाने के लिए वो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उन फीमेल्स में जिनका एएमएच हाई है, इस सब बारे में आज हम बात करते हैं। तो एएमएच होता है एंटीमुलेरन हार्मोन। एंटीमुलेरन हार्मोन एक फीमेल अपने ब्लड टेस्ट में कराती है, जैसे बाकी सारे खून की जांचें होती हैं, और इसमें पता चलता है कि अंडा बनाने की क्या क्षमता है। तो लो एएमएच की हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने बात किया कि लो एएमएच बताता है कि अंडा बनाने की क्षमता जो उम्र के साथ घटती जाती है, तो एएमएच टाइम के साथ कम होता जाता है। पर जेनेटिकली जीन्स की वजह से कुछ फीमेल्स में एएमएच शुरू से ही बहुत हाई होता है, यानी उनकी अंडा बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उनका एक अल्ट्रासाउंड देखें पीरियड के दूसरे तीसरे दिन पे, तो ओवरी में हम देखेंगे छोटे 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 बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। अब इन्हीं फॉलिकल्स में से एक अंडा हर महीने अगर बढ़त हासिल कर पाता है तो प्रेगनेंसी का चांस रहता है। बट जब ये बहुत सारी मात्रा में होते हैं तो इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। और यही जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी अल्ट्रासाउंड पे अगर इसमें फीमेल के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज आती है, तो अपने आप इन सारे छोटे 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 फॉलिकल्स में से कोई भी अंडा अपने आप से बढ़त नहीं हासिल कर पाता है, और जब अंडा ही नहीं बनता है तो प्रेगनेंसी का चांस नहीं रहता है। तो हाई एएमएच एक तरीके से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को ही दर्शाता है, अगर एएमएच के साथ साथ हमारा ओवरी का पिक्चर भी अल्ट्रासाउंड पे ऐसा ही है। तो वो क्या लक्षण होते हैं हाई एएमएच वाली महिलाओं के जो हमें अंदेशा देते हैं कि इनमें प्रेगनेंसी आना मुश्किल हो सकता है? सबसे पहला तो पीरियड डिले होना। आपका महीना अगर 5-7 दिन हर बार बढ़ के हो रहा है, तो इसका मतलब अंडा बनाने के लिए जो हार्मोन है वो या तो देरी से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है जांचना जरूरी है। दूसरा होता है कि ऐसी महिलाओं में आदमियों के हार्मोन जो होते हैं मेल हार्मोन की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, तो आप नोटिस करेंगे कि अगर आपका एएमएच हाई है तो जो चेहरे पे बालों का आ जाना, पिंपल्स होना, हेयर फॉल होना, गर्दन के आसपास अलगपन आना जिसको एकांथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो शरीर में हो रहे हार्मोनल डिस्टर्बेंस का अंदेशा देते हैं। तीसरा, आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ना, आप कितनी भी कोशिश कर ले वजन अच्छे से शेड नहीं हो पाता। तो ये सिम्टम्स हैं जो बताएंगे कि अगर आपको हाई एएमएच है तो आपको शायद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और आपको किसी ना किसी एक इलाज की जरूरत है कि आप प्रेग्नेंट जल्दी हो पाए। तो अगर एएमएच की इलाज की बात करते हैं तो कोई ऐसी दवाई नहीं है जो एएमएच के मात्रा को कम करते। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ बैठे हमसे कि हमने पहले कराया था तब इतना आया था और अब कराया तो इतना आया है, तो बताइए ये जो कम हुआ है, ये हमने ये वाली दवाइयाँ ली थी, क्या हम इनको और ले लें? तो समझिए एएमएच लैब टू लैब वेरी करता है। एएमएच की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा लैब डिपेंडेंट है, आप उसे रिपीट कराएंगे अलग अलग लैब से तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे वैल्यू आ जाती है, पर अंडा बनाने की क्षमता यदि ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ही रहेगी। और अल्ट्रासाउंड पे भी ऐसा जो है चेंजेस जो हैं, अगर हम नापने की बात करें तो ओवरी का वॉल्यूम नापते हैं वो ज़्यादा है तो वो 10 से ऊपर अगर है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। अगर वो 14 15 से 12 13 भी आ जाए तो ये भी नापने का ही हेरफेर है। इसके ऊपर ये सोच लेना कि अब हमारा एएमएच कम हो रहा है सही नहीं होगा। तो इसके इलाज के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप अपने वजन को अपनी हाइट के हिसाब से नियमित बीएमआई में ला सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, रोज एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं विटामिन डी जैसे, तो आप जो है एक अच्छा बीएमआई तो अचीव करेंगे और वो जो मैकेनिज्म जिसकी वजह से अंडा अपने आप से मैच्योर नहीं हो पा रहा उसको भी ठीक करेंगे। तो अंडा बनाने की क्षमता ज़्यादा तो है ही, और उसमें आपसे अंडा अपने आप बनने लग सकता है अगर आपका वजन ठीक आ जाए तो। दूसरी चीज़ होती है इंसुलिन सेंसिटाइजर्स लेना। वो एक तरीके से दवाइयाँ होती हैं जो आपके शरीर में जो भी आप खा पी रहे होते हैं उसको ढंग से एब्जॉर्ब होने में मेटाबोलाइज होने में मदद करती हैं, जिससे वजन तो कम होता ही है साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक होता है। तो ये जो हमने गर्दन पे बात करी ब्लैकनिंग की, वो सब भी सेटल होती है।
तीसरी आती है अंडा बनाने की दवाइयाँ। तो जिनका अंडा नहीं बन रहा होता उनको हम अंडा बनाने की दवाइयाँ देते हैं, पर इसमें एक कैच होता है, जिनका AMH ज़्यादा है उनमें हमने देखा है कि जब हम अंडा बनाने की दवाई देते हैं तो रिस्पॉन्स बहुत वेरिएबल हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि अंडा बनाने की दवाई का जो नॉर्मल डोज है उससे बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ओवरीज रेजिस्टेंट होती हैं, और हो सकता है हमें इंजेक्शन को भी कंबाइन करके देना पड़े। और कभी कभी हमारे नॉर्मल डोज पे भी अंडे जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं, उसको हाइपरस्टिमुलेशन कहते हैं, जिसमें फिटविनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बहुत गार्डेड तरीके से हम पेशेंट को समझाते हैं कि देखिए आपका AMH है, हम बहुत छोटी छोटी डोज से स्टार्ट करेंगे, पहले छोटी डोज देंगे उसके बाद रिस्पॉन्स देखेंगे। अगर अंडा इसी से बन जाता है वेरी गुड, और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए। बट अगर अंडा इससे नहीं बनता तो हम फिर इसके साथ या तो इंजेक्शन ऐड करेंगे या अगले महीने में इसकी डोज को बढ़ा के देंगे। तो कुछ पेशेंट्स लो डोज को रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ पेशेंट्स हाई डोज विद इंजेक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो कुछ पेशेंट लो डोज पे ही मल्टीपल एग्स बनाते हैं। अब अगर आप इस तरीके से ट्राई कर रहे हैं, अंडा बनाने की आपने दवाई ली है और प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है पर अंडा हर बार ज़रूर बना है, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम बाकी कारणों को जानें। इसका मतलब जैसे बाकी फीमेल्स में अंडा बन रहा था आप में भी वैसे बन रहा है, चाहे AMH हाई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शायद ट्यूब या सीमेन की कोई दिक्कत हो सकती है जिसके चलते अब प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। सो अगर एग बन रहा है ट्यूब और सीमेन को जाँच लेना चाहिए, यदि वो भी ठीक है तो हमें आगे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की तरह मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए, अंडा एक की जगह दो बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ में IUI को भी क्लब कर सकते हैं। क्या हाई AMH की वजह से IVF की ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए वो कपल्स जिनके अंदर अंडा बनता रहता है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आती, उनके अंदर हो सकता है IUI ट्राई किया जाए, और IUI भी नाकामयाब हो तो IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ट्यूब या शुक्राणु की कोई दिक्कत है जो सीधा बताती है कि IVF से ही फ़ायदा होगा, ट्यूब बंद है या शुक्राणु बहुत कम है, तो भी IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। और तीसरा, जो महिलाएं बहुत कम डोज पे भी बहुत सारे अंडे बनाते हैं उनके अंदर ऐसा होता है कि हमें IVF में हो सकता है कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े जब बहुत अंडे बन जाए, या सीधा IVF के लिए जाना पड़े, क्योंकि ऐसे में अंदर ही अंदर ये अंडे जब फूट जाते हैं तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का कारण बनते हैं, ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट हो जाती है और ट्विन ट्रिपलेट्स क्वाड्रिपलेट्स मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो एक फीमेल के लिए रिस्की हो सकता है। सो सिर्फ वही कपल्स हैं जिनमें IVF की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हाई AMH है तो सीधा मतलब इलाज चाहिए और कॉम्प्लिकेटेड इलाज चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हाई AMH के और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्या? तो सबसे पहले तो हमने बात किया कि ज़्यादा अंडे बनने की वजह से हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क होता है, जो फीमेल के लिए रिस्की होता है। तो अंडा बनाने की जो दवाई है वो कम से कम मात्रा में दी जानी चाहिए, और ज़्यादा बन जाए तो IVF में कन्वर्ट कर देना चाहिए। हाइपरस्टिमुलेशन को IVF में बहुत ईजिली मैनेज किया जा सकता है, आजकल प्रोटोकॉल्स इंजेक्शंस फ्रीजिंग की वजह से ये खतरा IVF में तो नामात्र है। दूसरा, बात करें मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बारे में, तो अगर अंडे बहुत ज़्यादा बनते हैं उस महीना ट्राई नहीं करना चाहिए, उल्टा उस साइकिल को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क भी आगे चल के बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए खतरे का कारण बनता है। तीसरा, ऐसा देखा गया जिनका हाई AMH होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है और मेल हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, उनमें अंडा मुश्किल से भी बनता है, बहुत सारी साइकिल्स वेस्ट हो जाती हैं एक बनाने में, और अंडा जो है हो सकता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी ना बने। चौथा होता है कि अंडा बन भी गया तो भी मिसकैरेज का रिस्क ऐसे में ज़्यादा रहता है। अब ये एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक डॉक्टर को आपका सारा बेसलाइन सिर से पैर तक एग्जामिनेशन करके और आपके सारे ब्लड रिपोर्ट्स देख के, आपका वज़न देख के, आपका BMI देख के, एज देख के डिसाइड करना होगा कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती हैं अंडा बनाने में और प्रेगनेंसी हासिल करने में। पर इन सब चीज़ों के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस अपने आप से शुरू करें, एक्सरसाइज करें, वेट रिडक्शन के लिए काम करें, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स लें, सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि ये अगर होगा तो जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से एक्ट करेंगी, ओवरीज उसको रिस्पॉन्ड अच्छे से करेगी, और कम टाइम में आप माँ बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। अगर आपके और कोई भी डाउट्स हैं हाई AMH से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछें, हम बहुत खुश होंगे आपको हेल्प करके। जो
आपकी प्रेगनेंसी प्लान करने की जर्नी है अगर हमारे चैनल से वो इजी हो सकती है तो वी विल बी रियली हैप्पी। थैंक यू।